बाबा इनको उठा के ले जाता है, बलात्कार ही था, महान कैसे हो सकता है। और फिर महाराणा प्रताप रखो युद्ध कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप तो हमेशा देश के लिए मेवाड़ के लिए लड़े हैं, तो उनसे आगे झगड़ा करने वाले तो देश का हितकारी कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के स्टेटमेंट को लेकर एक बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री बोले, हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री। कहा, ज्ञान व्यापी तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अकबर महान नहीं था, बलात्कारी था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अकबर को महान बताने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जिस अकबर ने मीना बाजार लगाकर मां और बहनों को उठाने का काम किया, आखिर वह कैसे महान हो सकता है। अकबर महान नहीं था, बलात्कारी था। उन्होंने कहा कि स्कूलों की कुछ किताबों में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को भी आतंकवादी बताने की बात की जानकारी है। देशभक्तों को आतंकवादी बताकर पढ़ाया जाएगा तो हमारे बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। इस तरह का कोई अंश हुआ तो उसमें बदलाव किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में जो ड्रेस है उसे ही पहनकर आना होगा, यदि छूट दी गई तो टीचर्स पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि एनसीईआरटी में सिलेबस को फिलहाल राजस्थान में लागू नहीं किया जाएगा। मैं सिलेबस में बदलाव करने की अभी पक्षधार नहीं हूं, लेकिन जहां पर भी विवादित अंश है जिसे जानबूझकर हमारी युवा पीढ़ी को गलत दिशा निर्देश देने के लिए सम्मिलित किया गया है, जहां हमारे पूर्वजों के बारे में भ्रामक जानकारियां दी गई है, हमारे महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, मुझे लगता है सिलेबस से इस तरह के अंश को हटाना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमारे देश में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन केवल फुहड़ता होती है। ऐसे में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को मातृ पितर पूजन दिवस के रूप में बनाया जाएगा। इस बार तो महज 14 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में इतनी जल्दी तैयारियां नहीं हो पाएगी, लेकिन अगले साल से राजस्थान में इस परंपरा को शुरू किया जाएगा। वहीं दिलावर ने कहा कि पूर्वपति भाजपा सरकार के वक्त में वासुदेव देवनानी ने इसे शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इस अच्छे काम की शुरुआत जल्दी से करूं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ज्ञान व्यापी पर हुए फैसले को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह तो पहली झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती, लेकिन जिन सबूतों के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है उसे तो सबको मानना पड़ेगा। मेरी मान्यता है जो अवशेष निकल रहे हैं वह भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ऐसे में इसी साल 22 जनवरी को जब भगवान राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तब मैंने संकल्प लिया था कि जब तक श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक मैं एक समय ही भोजन करूंगा और माला भी नहीं पहनूंगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिजाब विरोधी नहीं है, मुझे हिजाब से किसी तरह की आपत्ति नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की ड्रेस पहन सकता है, लेकिन स्कूलों में तय स्कूल ड्रेस में ही स्टूडेंट को एंट्री दी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को इससे आपत्ति है तो वह किसी दूसरे स्कूल में जा सकता है जहां स्कूल ड्रेस में छूट दी जाती हो। ऐसे में कोई स्टूडेंट अगर स्कूल ड्रेस में नहीं मिलता है तो स्टूडेंट के साथ टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर न्यूज घटना स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।